वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। संत बाबा कुंदन सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की उन्होंने इन्नी सेवा कमाई कि खुद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नाल ही अभेद हो गए सन, गुरु ग्रंथ साहब जी का ही रूप हो गए सन। उन्होंने ऐसी अवस्था सी कि उन्होंने ही बिहंगम दसते सन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्मनामा। सवेरे अगर प्रसन्नता वाला हुंदा सी तां बाबा कुंदन सिंह जी इन्नियां खुशियां देंदे सन कि उसका जवाब ही नहीं सी। अते जदों हुक्मनामा बैराग पाई हुंदा सी सारा दिन बाबा जी बैराग विच ही रहिंदे सन। अते जेकर हुक्मनामा विछोड़े दा जां दर्शना दा हुंदा सी तां बाबा जी दा सरूर ही ऐसा हो जांदा सी कि विछोड़े दी तड़फ डुल डुल पैंदी सी। अते जेकर हुक्मनामा बीर रस वाला होना तां बाबा जी भी पूरे बीर रस विच ही रहिंदे सन। जैसा हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा हुंदा सी वैसी ही अवस्था इन्हां दी भी हुंदी सी, क्योंकि इन्हां दी अपेता सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां नाल। हर हर जन दोए एक है बिब विचार कछ नाहे, जलते उपज तंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। एक महापुरख जो कि हमेशा अरदास करके इन्हां संतां महापुरखां दे दर्शन करन जांदे सन अते हर वार इन्हां नूं दर्शन भी हो जांदे सन, पर एक दिन इन्हां दे मन विच आया कि अरदास नहीं करनी, दर्शन तां हो ही जांदे हन। अते इसे पुल कारण किन्ना विजोग पिया। एक बड़ी ही प्यारी साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक महापुरख जिन्हां ने एक किताब दे अंदर अपना यह जिक्र लिखिया, वह लिखते हैं कि 12-13 साल पहलां दा जिक्र है। हर वरी जदों वह नानकसर जाते सन पुन्या के उत्ते तां घरों निकलन लग्यां ते अरदास करके निकलते सन अते अरदास करते सन। महापुरखां दे दर्शन करन वास्ते जा रहे हाँ, सतगुरु जी महापुरशां दे खुले दर्शन दारे बख्शने, खुशियां बख्शनियां, किरपा करनी। एक दिन इस तरह ही यह महापुरखां दे दर्शन दारे करन जा रहे सन अते अरदास करन लग्या इन्हां दे मन विच पता नहीं की आया, सोचन लगे कि अज अरदास नहीं करनी, हर वार तां दर्शन हो ही जांदे हन, इस वार भी दर्शन हो जाणगे महापुरखां दे पर अरदास नहीं करनी। अते एह बिना अरदास कीते ही महापुरशां दे दर्शनां नूं निकल पए। जदों ओह नानक सर पहुंचे अते जांदियां ही जो इन्हां नूं दर्शन हो जांदे सन महापुरखां दे, अज इन्हां नूं घंटा भर खड़ा रहना पिया पर दर्शन नहीं होए, क्योंकि महापुरख अज जरूरी विचारां करदे पए सन अते विचारां करन तों बाद जदों सेवादार बाहर आए तां इन्हां ने सोचिया कि हुण तां महापुरखां दे दर्शन हो ही जाणगे। पर जदों ओह सेवादार बाहर निकले तां उन्हां ने हुक्म कर दिता, समां पहले ही हो चुका है, तुहानूं हुणे ही निकलना पएगा। अते इन्हां नूं महापुरख दे दर्शन करन तों बिना ही उत्थे कीर्तन करन लई जाणा पिया अते जदों रात नूं कीर्तन करन तों बाद ओह वापस इस जगह ते महापुरखां दे दर्शन करन लई पहुंचे तां सोचण लगे कि हुण ते उन्हां दे हुक्म दी पालना भी कीती है, कीर्तन दी हाजरी भी पर लई है, हुण तां जरूर दर्शन होणगे। पर उन्हां नूं पता लग्गिया कि बाबा जी हुण नितने विच हन, तां सेवादारां ने इन्हां नूं कहा 2 बजे तों पहले तुहानूं दर्शन नहीं हो सकते। अते जदों 2 बज गए तां इन्हां बेनती कीती कि महापुरख दे दर्शन हो जाण, पर सेवादारां ने रोक लिया अते आग्या ही ना दित्ती दर्शनां दी। हुण इन्हां दे मन विच आया सी कि अज किहड़ी भुलना हो गई है कि बाबा जी दे दर्शन ही नहीं हो रहे। अचानक इन्हां दे मन विच ख्याल आया कि ओए मना, तूं तां सोचिया सी कि एवें अरदास करी दी है, दर्शन तां हो ही जांदे हन अते अगे हुंदे ही सन, अज तां अरदास ही नहीं कीती। पुल सामने आ गई, अंदरों अंदरी मन चुक गया अते उसे वक्त उन्हां ने सुखमनी साहब दे कमरे विच जाके अरदास कीती, बाबा जी पुल बख्शो, मैं भुलिया हाँ, दर्शन दिओ। अते जदों अरदास करके ओह बाहर आए तां ओही सेवादार जिसने दर्शन करन दी इजाजत नहीं सी दित्ती
आखन लगा कि बाबा जी ने तुहानू बुलाया है, पहले आ के दर्शन कर लो। यह सुन के उन्हां महापुरखां दे कलेजे नूं ठंड पै गई अते उन्हां दी तड़फ खत्म होई, उन्हां नूं महापुरखां दे दर्शन होए। इसे नूं तां अपेता कहिंदे हन, हर हर जन दोए एक है, बिब विचार किशना है, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।